आज साल का पहला दिन है यानी 1 जनवरी 2021। मैं चाहता हूँ कि इस पहली वीडियो में, इस साल की इस पहली वीडियो में, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई दूँ साल के, नए साल की। आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इतने समय से आप लोग जुड़े हैं इस चैनल से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कभी कभी डिसलाइक भी करते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, तो मैं इम्प्रूव कर सकता हूं, है ना। चेंजेस के बहुत सारे आसार नज़र आ जाते हैं कि मैं क्या क्या जगह ऐसी खाली हैं जहाँ पर इम्प्रूव करके उस जगह को फिल किया जा सकता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमेशा बने रहते हैं। आज पहली जनवरी 2021 को आप सबके सामने एक आग्रह के साथ आए हूँ और एक गोल के साथ आए हूँ जिसे अचीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने सोचा है कि अब हर वीडियो उसी विजन के अराउंड चलेगी कि मैं समझ रहा हूँ कि YouTube कैसे वर्क कर रहा है। और यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपना सब्सक्राइबर बेस जितना हो सके बढ़ाइए, जनता को जितना हो सके जोड़िए, जनता खुद अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दे कि उसके और चैनल के बीच एक रिश्ता हो जाए कि हाँ, ये मेरा भी चैनल है। तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वीडियोज़ देख भी रहे हैं और देख रहे हैं तो शेयर भी कर रहे हैं। दूर तक बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, वरना मैं सिर्फ बोलता रहूँगा, कुछ लोगों तक पहुंचेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैसेज पूरे देश के लिए है, वो एनालिसिस पूरे देश के लिए, जो भी मैं निकालता हूँ वो सही है गलत है उस पर विचार किया जा सकता है, बिना फैक्ट्स के, बिना प्रूफ के साथ मैं बात भी नहीं करता हूँ। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है और मेरा ये विजन है, गोल है कि 31 दिसंबर 2021 से पहले या उस दिन तक 1,00,000 सब्सक्राइबर का मार्क हम लोग छू दें, एटलीस्ट 1,00,000 का छू दें। अभी 11,000 पे हैं और ये सिर्फ मुझे अकेले की वीडियो बनाने से नहीं होगा, जितने लोग नए जुड़ते जाएंगे अगर मेरी बात से सहमति रखते हैं, भारत के लिए अगर मैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरे अखंड भारत के मिशन के लिए अगर मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। इस साल हक के बजाय, राइट्स के बजाय ड्यूटीज़ की बात करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करिए, भारत को, भारत के लिए क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज तक आपने सिर्फ ये सोचा होगा कि हमारे हक क्या हैं, हमें अपने हकों के, मतलब न्यूज़ मीडिया हर जगह ये बात होती है कि आप सबको आपके हक के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी ये बात क्यों नहीं होती, ये कैंपेन क्यों नहीं चला जाता कि आपकी ड्यूटीज़ भी हैं कुछ देश के प्रति। और सिर्फ वही नागरिक नहीं है जिसके सारे हक मिले, जिसको सारे हक सबके बराबर मिले, सारे बेनिफिट्स मिले, नागरिक वो और ज़्यादा बन जाता है जो अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करता है अपने देश के प्रति। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में। चाहे आज मेरी वीडियो कोई लेफ्टिस्ट, माओविस्ट, कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट जो देख रहा हो, सब एक बात पे मोदी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, योगी को करते हैं, देखो इकोनॉमी नहीं बढ़ रही, देखो रोज़गार नहीं हो रहा। लेकिन आपने क्या खुद से ये सवाल पूछा कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? क्या मैं टैक्स पे करता हूँ? क्या मैं करप्शन फ्री इन्वायरमेंट में हूँ? क्या मैंने कोई स्टेप लिया कि यहाँ करप्शन ना हो? क्या मैंने स्टेप लिया कि मैं बाकी भी अपने जानने वालों को मोटिवेट करूँ कि अगर आप टैक्स नहीं देते तो दीजिए? हमें सिर्फ चिंता जताने से इकोनॉमी नहीं बढ़ जाएगी, हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जितना कंट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूँ, मेरे कंट्रीब्यूशन को भी सपोर्ट करिए। आप जो कर सकते हैं देश के लिए, आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्या ड्यूटी है, क्योंकि आप भी तो नागरिक हैं, अगर नागरिकता साबित करनी है तो इससे बड़ा अवसर क्या मिलेगा कि आप कुछ ना कुछ योगदान दे पा रहे हैं देश की बढ़ोतरी में। इससे आपको और ज़्यादा लगाव होगा, अपनापन फील होगा, करके तो देखिए। फिर आपको भी बुरा लगेगा कि मेरे देश को कोई कुछ गाली दे रहा है, मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ और कोई देश को डिमीन करके चला जा रहा है, कोई देश को तोड़ने की बात कर रहा है। मेरी हर उस इस्लामिस्ट, माओविस्ट, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, लिबरल, सेकुलर सबसे ये रिक्वेस्ट है, देश की ग्रोथ के लिए ड्यूटीज़ को फुलफिल करके देखिए, फिर अगर अगला कुछ बोलेगा उसके विरोध में तो आपको बुरा लगना जायज़ हो जाएगा। फिर शायद आपको भी कुछ टाइम बाद लोग संघी, भाजपाई, भक्त, नेशनलिस्ट इस सब से बोलने लग जाएंगे। फिर आप सोचेंगे, अरे कुछ दिन पहले तो मैं सेकुलर और लिबरल था, जैसे देश की बात करने लग गया मैं संघी कैसे बन गया? क्या सिर्फ संघ परिवार को ही ये हक है देश की बात करने का? स्वयं विचार करिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक बार फिर से नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई हो। इस चैनल में ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और लोगों को जोड़िए, बात दूर दूर तक पहुँचाइए। आज हो सकता है मैं लाइव आऊँगा तो लाइव में मिलते हैं। और अभी तक जिसने जो भी रिएक्शन दिया है, लाइक किया, डिसलाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।